अब बेटा आपका जो है लास्ट मेथड रह जाता है डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में। इस मेथड का नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दूसरा नाम था इसका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तीसरा नाम था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो बात आती है ये मेथड कैसे अलग है स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड में बेटा अगर हमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी साल की बिगनिंग में और 10% पर एनम का डिप्रिसिएशन था, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में पहले साल कितना डिप्रिसिएशन लगता था, 10,000 बैलेंस आता था टेन हमारे थाउजेंड पास 90। नाइनटी थाउजेंड दूसरा कितना लगता था, टेन थाउजेंड बैलेंस आता था 80। तीसरे साल भी लगता था 10,000, बैलेंस आता था 70, और ऐसे चलता रहता था। बट अंडर WDVM या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अगर 1 लाख रुपए की मशीनरी थी 10% का डिप्रिसिएशन है, 10,000 लगा डिप्रिसिएशन आ गया 90,000। अब जब डिप्रिसिएशन लगेगा तो वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगेगा, यानी 90,000 का 10% लगेगा, यानी कि आ जाएगा 9,000 रुपये। डेप्रीसिएशन कट के हमारे पास सेकेंड ईयर के एंड में CD आ जाएगी 81,000। जो थर्ड ईयर में अब डेप्रीसिएशन लगेगा वो 81,000 पे लगेगा, यानी कि 81,100। बैलेंस आ गया 72,900, फिर माइनस हो जाएंगे 72,90, और ऐसे जो है ये चीज चलती रहेगी। सो बस ये डिफरेंस है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अंदर। बाकी सारी की सारी टाइप्स जो है एज इट इज सेम है जैसे कि हमने की हुई है। तो अगर हम कोई भी एक क्वेश्चन करें बेसिक सा, बेसिक करना पसंद करोगे या सेल करना पसंद करोगे? बेसिक तो 1408 को सपोज हमने मशीनरी खरीदी 2 लाख रुपए की, डेप्रिसिएशन है एट द रेट 10% पर एनम बाय WDVM। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं 31 मार्च को, और आपको 4 ईयर्स के लिए प्रिपेयर अगर करना है सर, जी। SLM तो फिर कोई यूज नहीं करेगा ना, क्योंकि उसके अंदर तो जो लाइफ होती है जैसे मशीनरी की वो कम लगेगी और इसके अंदर ज्यादा लगती होगी। बेटा देखो वो वैसे भी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी कर लो कोई भी एसेट कभी जीरो वैल्यू की नहीं हो सकती, चाहे वो 1 रुपए में बिके बट वो बिकती जरूर है। तो जब आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ोगे वो थ्योरेटिकली एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बुक में होगा, दैट डिफरेंशिएट बिटवीन SLM एंड WDVM। तो उसमें ये चीज लिखी हुई है कि SLM जो है वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है जो हमारी अथॉरिटी है उससे, दैट इज ICAI से, और जो WDVM है वो रिकॉग्नाइज्ड है। तो ज्यादातर लोग जो होते हैं हमेशा WDVM के ऊपर ही अपना डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा रियलिस्टिक है। ठीक है, यस सर। 1408 को टू बैंक अकाउंट हमने मशीनरी खरीदी 2 लाख, डेप्रिसिएशन लगेगा सबसे पहले 31,309 को, पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा यहाँ पे 20,000। CD आ जाएगी हमारे पास 1,80,000।
डेट आ गई 1409, बीडी है हमारे पास 180 की, 31/3/10 को डेप्रिसिएशन लगेगा 180 का 10%, दैट इज 18,000 रुपए। सीडी कितनी आ जाएगी हमारे पास 162,000। डेट आ जाती है 1410, बीडी है 162,000। 31/3/11 को डेप्रिसिएशन लग जाएगा 16,200 रुपए। सीडी कितनी बचेगी 145,800। डेट आ जाएगी हमारे पास 1/4/11, बीडी है हमारे पास 145,800। तो 31/3/12 को डेप्रिसिएशन लगेगा अब हमारे पास 14580। सीडी कितनी रह जाएगी हमारे पास 220, 145 में से 14 गए तो 131। इस सीडी की आप बीडी बना दो, आपका क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा। सेल वगैरह सेम ऐसे है, सब कुछ कॉन्सेप्ट है एज इट इज लगेंगे। पार्ट सोल्ड में एक छोटा सा चेंज आएगा, वो जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट सोल्ड इसका जो है वो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है एसएलएम से, WDVM का। तो आपके पास होमवर्क यही है, एसएलएम के सारे क्वेश्चन जो भी आपके पेंडिंग है वो डन करने हैं। WDVM के पहले 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, डेसिमल्स में आंसर आ रहे होंगे, कोई भी राउंड फिगर अप्रोक्स लेके आप सॉल्व कर देना, कोई इशू नहीं है। पार्ट सोल्ड हम WDVM का नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे एंड देन सैटरडे को हम इसकी बुक सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक जो है डेप्रिसिएशन का वो यहीं पे खत्म हो जाएगा इसी के साथ।